It was really good. बहुत अच्छी थी. It's a must watch for every Indian. पैसा वसूल मूवी थी. Movie was fantabulous. Kartik Aaryan's Chandu Champion has finally released. The film is based on the life of Murlikant Petkar, who is India's first Paralympic gold medalist. The film is directed by Kabir Khan, and Kartik Aaryan's transformation for this one has been the talk of town ever since the trailer was dropped. Will this movie be a game changer for Kartik Aaryan's career, or will this be another box office disappointment? Here's a public review from First Day for show. बहुत ज़्यादा पसंद आई. लाइक मूवी को मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, बट ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है. मूवी वॉज रियली गुड, बहुत अच्छी थी. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. लॉट ऑफ इमोशंस वर डिस्कस एंड जस्ट सो सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर द किड्स स्पेशली टू अंडरस्टैंड दैट. बहुत अच्छी मूवी है. कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग. ये मूवी यंगस्टर्स जरूर देखें, क्योंकि जो आज कल्चर में हम देख रहे हैं कि सिर्फ देश के झंडे को भी हम सल्यूट नहीं करते, या हम कभी कभार अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो देश के विरुद्ध है, तो मैं चाहता हूँ कि एक हर इंडियन इस मूवी को देखे. मूवी बहुत अच्छी है और बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है और इंस्पायरिंग है. कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे विजय राज का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो उनके एज अ हेड है, कोच है, तो उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई. और साथ ही साथ भुवन अरोरा, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी काबिलियत तारीफ थी. बहुत अच्छा, मतलब सबकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी. सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे. फनी था, इमोशनल था, सब कुछ था. परफॉर्मेंस वाइज इज अ टोटल एंटरटेनिंग मूवी. ऐसी भी नहीं है, बहुत सीरियस मूवी है. टोटल एंटरटेनर. कार्तिक ने बहुत अच्छा रोल निभाया है. उनके बाकी रोल्स में चॉकलेट बॉय टाइप रोल किए उन्होंने अभी तक, बट इसमें उन्होंने थोड़ा डिफरेंट रोल करके हमें दिखा दिया कि ही इज एन वंडरफुल एक्टर. कार्तिक वाज फैंटाफैबुलस और मेरे ख्याल से ये अवार्ड विनिंग उसका रोल है. कबीर खान का डायरेक्शन तो सर, सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन जो बहुत प्यारा था, मतलब लिटरली हर एक सीन ऐसा लग रहा था कि हाँ किसी मास्टर ने इसे सेट किया है. हाँ, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था. स्टार्ट टू एंड सारे के सारे इवेंट्स इतने अच्छे से दिखाए. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गेट टू वॉच दिस फिल्म. डायरेक्टर कबीर खान इज टू गुड एज यूजुअल. उनकी हर एक मूवी अच्छी होती है एंड ये भी स्टैंड आउट थी. आई थिंक बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया गया है. ज़्यादा स्लो भी नहीं है और ज़्यादा फास्ट भी नहीं है. ऑन पॉइंट मूवी थी. डायरेक्शन जो पूरी मूवी की है उसने पूरा बांध के रखा था. And every role was fantabulous. Yeah, direction is also very good. और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पिक्चर कहीं से भी ऐसे लो हो रही है. व्यूअर को तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सब लोग जाकर के मूवी को देखे, लाइक और लाइक जितने ज़्यादा वो शेयर कर सके, लाइक वो कहते हैं ना स्प्रेड कर सके कि ये मूवी काफ़ी बेटर है, आप लोग देखो, ये मूवी पसंद आएगी इस लोगों को, तो ये उस टाइप की मूवी है. So I would definitely recommend watching this. I think everyone should watch it. It's awesome. Go to theater and watch the movie. Go and watch the show. Definitely worth it hai. Aapka paisa bilkul barbaad nahi hoga. Life mein agar kuch nahi dekha to ye movie na chhode please. Kyunki har aadmi ek bar ye movie dekhe. Ek emotional, ek bahut sundar movie hai. Sabne ek bar ye picture dekhni chahiye. Kyunki bahut achhi picture hai. Kafi time baad aisi picture dekhne ke liye mil raha hai. मूवी में एक चीज़ थी जो ट्रेलर में एक चीज़ थी जो मुझे लाइक लग रहा था कि ये मूवी क्या होने वाली है, वो था मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर केस करना है. जो मुझे फाइनली मूवी देखने के बाद पता चला कि वो केस क्यों करना चाहते थे, कितना ना स्ट्रगल करके पहुंचे. मुझे अपनी लाइफ अब ज़्यादा ईजी लग रही है, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक सबको देखना चाहिए. देयर आर लॉट्स ऑफ इमोशनल मोमेंट्स इन द मूवी वेयर कॉमन पीपल को टच हो जाएंगे. लास्ट में जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तब उनको जब याद आ रहा था कि कितना लोगों ने उनको नीचे गिराया एंड एवरीथिंग, ओवरऑल अ गुड एक्सपीरियंस. जो कोई अपनी हिम्मत हार जाता है कि हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड सी दिस मूवी. आउट ऑफ 5 मैं मूवी को 3.5 के हिसाब से दूंगा. 4 स्टार. 5.5 5 आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4 या 4.5.